So what is up guys, welcome back to our new vlog. आज अपन जाने वाले हैं कहाँ पर? आज अपन जाने वाले हैं अपने घर के 5 किलोमीटर दूर एक हॉरर हाउस है। तो यार सही सुना आपने यार, तो ये हॉरर व्लॉग का टाइटल लेके हम बता ही दिया होगा, आपको पता लग ही गया होगा। सो यार आज अपन जा रहे हैं उस हाउस में। मैंने सुना था जब मैं वहाँ जाता कि वहाँ पे हाउस में किसी की डेथ हुई है, ठीक है, सुसाइड है, मर्डर है, कुछ पता नहीं चला, बस डेथ हुई थी और पता नहीं आगे क्या हुआ क्योंकि मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ। तो आसपास के लोगों से मुझे इतना ही बताया था। मैं ब्लॉग शूट करके आ चुका हूँ, मैं इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। सो यार देखना हमारे साथ वहाँ क्या हुआ था, और लास्ट में बहुत भयंकर चीज़ हुई है। सो यार क्या बताऊँ, बस आप ब्लॉग देखना, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ठोक दो भाई। इस ब्लॉग को एंजॉय करो और देखो क्या हुआ है इस ब्लॉग में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग आ चुके हैं, इस समय बज रहे हैं रात के 11:04 हो रखा है, और हम लोग खड़े हैं इस हॉरर हाउस के जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ मेरे 3 दोस्त हैं जो इतनी रात को आ गए, भाई ब्लॉग में सपोर्ट करते हैं बस। तो बहुत लेकिन डर लग रहा है अंदर जाने में, क्या रहता है क्या नहीं, थोड़ा पास आना भाई। तो मैं बाहर से आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँ, ये अंदर वाले गमले का दरवाज़ा है, ठीक है, ताला लगा हुआ है पूरा। और इधर भाई थोड़ा अंदर से दिखा देना पूरा, और ये देखो ये पूरा एक कमरा है। ऊपर से देखो यार कितना मतलब हॉरर टाइप लग रहा है, कबर्ड है भाई, बहुत डरावनी भाई। और इधर मंदिर अंदर बने हुए हैं, और उस साइड देखो अगर आप थोड़ा वो देखो गेट पड़ा उस तरफ कमरे में, तो वहाँ हर जगह जाएंगे तो देखते हैं क्या सीन रहता है पूरा। तो भाई यार देखो इस समय हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं पूरा, भाई दोस्त टॉर्च मार रहे थे, गोरे लग रहे हैं, बाकी हम भी कुछ भूत से कम नहीं लग रहे हैं। तो अब नीचे चलते हैं, मेरी फट रही है भाई बहुत ज्यादा ही। तो अब देखते हैं रात के इस समय कितने बजे, 11:05 वही हो रहा है मेरे फोन में, 11:05 हो रहा है। चलो ठीक है अब चलते हैं अंदर, देखते हैं सन्नाटा रहता है, कुत्तों की आवाज आ रही है। चलो नीचे चलते हैं, यार बहुत ज्यादा ही फट रही है, बहुत ज्यादा गाइस। नीचे का तो दिल दिखो रही, बाप रे अरे भाई भाई क्या बाप रे भाई क्या सीन है भाई यहां का, ये देखिए यहाँ पर पूरे जैसे 10-12 साल से घर बंद है, तो घास घास इतनी उग गई है जमीन से, इतना क्रीपी हाउस है ये, इतना क्रीपी ना मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना ज्यादा हम लोग को नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, आई कांट टेल यार। आप एक इधर ये रूम है, एक ये अंदर साइड का कुछ, ये रूम नहीं कुछ सिस्टम है ये, और इधर झाड़ियाँ हैं पूरी, और एक ये रूम है ये देखिए, और एक रूम के अंदर। तो भाई ये सीन था, नीचे आ गए यहाँ, टोटल 3 कमरे दिख रहे हैं, एक उधर कमरा है, बहुत कम आपको दिख रहा होगा अंधेरा क्योंकि ज़्यादा है, वो 2 कमरे हैं, और एक इधर कमरा है ये देख सकते हो आप ये, और एक उधर कमरा नहीं है, एक टाइप का कुछ बारंडा जो होता है ना कह सकते हैं वो टाइप का कुछ है। और यहाँ पूरे पेड़ घने हो गए हैं पूरे, देख सकते हो 12-13 साल से ये घर बंद है। तो अब हम लोग कमरों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, फट रही है ज़्यादा। तो ये देखो यार ये एक यहाँ पर्स पड़ा है, और ऐसे ही डाइपर्स पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या लोग फेंक देते हैं क्या है। तो अब चलते हैं अंदर देखते हैं। आओ भाई इधर दिखाओ, ये देखो भाई सब ये बोरे टाइप के पड़े हैं, कुछ सीमेंट का काम होता था यहाँ पे बहुत सारे, पहले भाई आगे आओ, 20-25 साल से भाई साहब वो क्या कुछ नहीं, एक तरह से फैक्ट्री और कुछ नहीं है,
यहाँ पर कपड़े अपड़े पड़े हुए हैं, कपड़ा टाइप का कुछ है, ये बोरे हो रहे हैं। तो इस तरीके देखो कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, ये पॉट होल टाइप का है कुछ, इधर बाथरूम टाइप है, ये देख सकते हो पूरा ये सब। तो अब तो तू तो तो यार अब हम लोग उस कमरे में चल रहे हैं जहाँ पर देखो चेयर पड़ी हुई है उस साइड, तो देख सकते हो आप यहाँ का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था और ये देखो चेयर पड़ी हुई है, ये कितनी पुरानी है। और ये उस साइड का जो ये उस साइड वाला कमरा है यार गाइस, पता है उस वाले कमरे में ये कोई आज तक उस कमरे में और ऊपर जहाँ वो एल टाइप का वो बिल्डिंग है वहाँ कोई जा नहीं पाया है कभी। और ये देखो कितना जाल आल लगा है पूरा, कितना पुराना यहाँ का कैलेंडर और ये सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं बहुत यार से कवर्स देखो ऊपर जो है। तो ये जो मकड़ी के ये जाले लगे हुए हैं ना रखे ड्राग में, तो ये रखते हैं ऊपर तो इतने बड़े बड़े रखता है। अरे भाई साहब गेट भी टूटा हुआ है तो ध्यान ही नहीं दिया था, जल्दी निकले चल बहुत बात भाग गया। तो भाई फट गई सबकी कुदा है, इधर आओ तो इधर आओ। हाँ तुम्हारे साथ क्या होगा बताओ सबको। तो यार देखो अभी क्या हुआ, नीचे आ जाते तो जब हम लोग भाग कर रहे थे तो ये राघव और जो शूट कर रहा है लौंडा अपना है ना, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, एक तरह का गाना आने वाला है प्रमोशन कर दे रहे। पर मेन बात जो है जब ये लोग जो थे इतना नीचे आ गए थे तो हम और उदय बचे थे, ठीक है। हम लोग जब आ रहे थे तो क्या हुआ एकदम से जब हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे कोई चीज़ हुई जो सीढ़ी तक ऊपर तक आई है और मैं ऊपर से खुदा जाकर नहीं देखा। तो इन लोग को इसके पापा ने बताया था कि लोग बहुत पुराने तरह समय से रह रहे हैं यहाँ पे, कि ये एक फैक्ट्री थी। तो भाई क्या बता, कॉटन फैक्ट्री थी ये, यहाँ पे किसी उसकी मालिक की डेथ हो गई थी। मालिक की हुई थी? हाँ मालिक की वर्कर की, अरे किस मतलब किसी की तो डेथ हुई थी इतना पता है। हाँ तो डेथ हो गई थी, गारंटी डेथ हुई थी। और तब से यार बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ से, बहुत ज़्यादा ही आ रही है और इस समय तो लिटरली बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मेरा मूड था कि मैं कल फिर से आऊँगा तो ऊपर का फ्लोर शूट करूँगा, पर यार पता है बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने स्टोरीज सुन ली हैं तो अब थोड़ी सी ज़्यादा मेरी। भाई उसके पापा ने बोला कि पता है कि क्या है कि ऊपर वाले साइड पे कभी कोई गया नहीं, हम लोग अंदर थे तो जैसे ही ऊपर जाने वाले थे एक ऊपर वाले कमरे में जैसे ही जाने वाले थे आपने देखा कि राघव के पापा आ गए, उन्होंने मना कर दिया। बहुत बार बॉल वॉल भी जाती है तो वो लोग मना कर देते हैं कि ऊपर नहीं जाओ ऊपर ना जाओ, और अभी भी ऊपर जाने वाले थे क्या होगा। पर चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, कल अपन फिर से ऊपर जाएंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब कल चढ़ते हैं। So, यार आज नेक्स्ट डे है जब हम लोग हॉरर ब्लॉग करके आ चुके थे, तो यार रात को यार बहुत गंदी नींद आई है अपने को, पूरा हॉरर सपनों से नींद भर चुकी थी यार, ऊपर वाले फ्लोर पे जा नहीं पाया यार, अंदर से खराब लगा कि जो ये चैलेंज हम लोग ने लिया था वो चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। बट यार पहली बात ये भी है ना कि अपनी लाइफ को इतना रिस्क में क्यों डालें कि हम लोग कुछ गलत काम हो जाए और फिर बाद में पछताएं। लेकिन हाँ मैं भले 10 या 20 लोग के साथ जाऊं पर अगर आप लोग ने इस वीडियो में 100 लाइक्स कर दिया 50 कमेंट्स कर दिए तो मैं जाऊंगा ज़रूर, आपको वीडियो दूंगा ज़रूर उस हाउस की अगर आपको चाहिए होगी, और अगर नहीं चाहिए तो देन इट्स ओके, पर तब भी लाइक करना वीडियो को क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इस पार्ट को शूट करने में भी। और बहुत जल्दी मैं एक ब्लॉग ला रहा हूँ जिसमें बताऊँगा आपको बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप फॉर बिगिनर्स, मतलब जो बिगिन कर रहे हैं यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।